हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको स्पाइसी सोया चिली न्यूट्री बनाना बताऊंगी। इन्हें हम बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और उन्हें स्नैक्स के तौर पर, स्टार्टर के तौर पर बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम सोया न्यूट्री ली है, यानी न्यूट्री नगेट्स। ये बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। साथ ही हमने एक कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ली है, जिसको महीन महीन काट लेंगे। एक प्याज लिया है, जिसको इस तरीके से लंबे स्लाइसेस में काटेंगे। हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर। साथ ही हम लेंगे एक टमाटर, जिसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे। धनिया पाउडर, जीरा, टमाटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस। ये एक चाइनीज़ डिश है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। सोयाबीन की बड़ी को हम और भी कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कबाब बनाने में। कटहल कबाब है, चने की दाल के कबाब हैं। अभी जो सोयाबीन की बड़ी हैं, हम उनको पहले इस तरीके से कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे। बहुत से लोग जो हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे ही बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं, पर वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं देती है। देखिए, बॉईल हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम पानी में बॉईल करेंगे, यानी गर्म पानी में 7 से 8 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे, तो एकदम से पक जाएंगी और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से जब भी हम सोयाबीन की बड़ी को यूज़ करें, इसी तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। अब इसका पानी हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे, तो जो हमारा ऑयल था फ्राई होने में, वो भी निकल गया। अब जो बच्चे थोड़ा सा ऑयल लेंगे कढ़ाई में, जो बचा हुआ ऑयल है उसमें से थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें जीरा डालेंगे। साथ ही अब इसमें हम अनियन डालेंगे, अनियन को फ्राई करेंगे। नमक डाला, शिमला मिर्च डाली। बहुत जल्दी सब्जी बन जाती है, यानी हम सबसे पहले ऑयल में हम पहले न्यूट्री नगेट्स यानी सोयाबीन की बड़ी को फ्राई कर लेंगे, साइड में और उसको बॉईल होने देंगे, और इधर हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। टमाटर डाला और सभी एक एक करके अब हम इसे मसाले डाल देंगे और इसको भूनते जाएंगे। मुश्किल से 10 मिनट में हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। ये लाल मिर्च पाउडर, इसको सूखी सब्जी की तरह भी खा सकते हैं, सेमी ड्राई सब्जी की तरह, या फिर आप स्टार्टर में ले सकते हैं। सोया सॉस डाली। इस सब्जी को आप लंच बॉक्स में भी बनाकर रख सकते हैं, बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी, पराठे के साथ। चिली सॉस, थोड़ा सोया सॉस, और अब इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप देखेंगे सबको कितना अच्छा लगता है खाने में ये। अब इसको बड़ी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट तक इसी तरीके से चलाएंगे, ताकि अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और नए नए डिश देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।